नमो बुद्धाय। खुद खुद्दक निकाय पहला किताब में एक सूत्र उपदेश है, वो सूत्र उपदेश का नाम है लोभ सूत्र। भगवान बुद्ध बताए हैं पुण्यन भिक्षु, एक ही चीज को त्याग कर दीजिए। मैं शपथ लेता हूँ कि आप जरूर अनागामी होंगे। वो एक चीज, एक ही चीज क्या है? लोभ। ये लोभ को त्याग कर दिया तो अनागामी हो जाता है। अगर ये बात, भगवान बुद्ध की बात कोई विश्वास करेगा तो उनका दिल में डर उत्पन्न होगा, चुप हो जाता है, क्योंकि वो मन के अंदर की बात है, अंदर उत्पन्न होने वाली चीज़ है। बाह्य भी अंदर उत्पन्न होता है, बाह्य हटा देता है, क्योंकि हमको ये हटाना है। ऐसे है तो भगवान बुद्ध की धर्म के प्रति हम लोग विश्वास उत्पन्न कर दिया तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा समझदारी बन जाता है। वो व्यक्ति सजीवी है, सजीव मतलब जिंदा है। इसीलिए भगवान बुद्ध उन लोगों के लिए बताए एक ही चीज़ को त्याग कर दीजिए, वो है लोभ। ये एक ही चीज त्याग कर दिया तो अनागामी हो जाती है, भगवान बुद्ध उसका जिम्मेवारी बन जाते हैं। तो ऐसे भगवान बुद्ध बताएंगे तो, बता दिए तो उन तथागत की वाणी पर हम लोग का दिल में विश्वास होना चाहिए ना। तथागत बताए तो जरूर होगा ऐसा। लोभ नाम का एक ही चीज त्याग करना जरूरी है। उन तथागत की बात इसी प्रकार भी कह सकता है, जो कोई लोभी हो गया तो वे लोग दुर्गति में जन्म लेते हैं, लेकिन वो कारण विदर्शना प्रज्ञा से देख करके लोभ को त्याग कर देना चाहिए अच्छी तरह समझ के। उसी प्रकार लोभ को त्याग करने वाले आर्य लोग कभी द्वारा इस जन्म में दुनिया में नहीं आते हैं। ये कारण तथागत भगवान बुद्ध ही बताए हैं, इसीलिए कारण आप लोग समझने के लिए कोशिश करिए। आशा को त्याग करने के लिए पसंद करिए। आशा मतलब इच्छा होता है ना, इच्छा को त्याग करने के लिए और धर्म को सीखना चाहिए। वो व्यक्ति लोभ को त्याग करने के लिए जो पसंद है, वो इच्छा या आशा को हटाने के लिए मेहनत करते रहता है। ऐसे रहने वाले व्यक्ति हमेशा होश में रहता है, ध्यान से रहता है। वो जो फालतू चीज़ है, फालतू चीज़ को चुरा छोड़ देता है, जो नहीं करना चाहिए वो हटा देता है। किसी का आँख के कारण इच्छा उत्पन्न हो जाता है, कान के कारण इच्छा उत्पन्न हो जाता है, नाक के कारण, जीभ के कारण और शरीर के कारण और मन के कारण इच्छा उत्पन्न हो जाता है। उनको समझ में आता है किनको? जो भगवान बुद्ध के प्रति दिल में श्रद्धा है उनको ये समझ में आता है। ये समझ में आने के बाद वो क्या करता है? आँख से देखने वाले रूप पर इच्छा उत्पन्न होता है ना, वो रहने नहीं देता है मन में, रहने नहीं देता, तुरंत हटा देता है। शब्द के प्रति आशा आ गया तो उसी शब्द की आशा को मन में रहने नहीं देता है, उसको हटाने के लिए कोशिश करता है। मन में रहने लग गया तो उस पर प्रसन्न नहीं होता है। समझ में आ गया ना? क्योंकि उनका इच्छा है ये आशा को त्याग करना,
ऐसे होने के बाद आँख कान नाक जीव शरीर मन के कारण आशा उत्पन्न होना समझने के बाद उनका मन घृणा हो जाता है इच्छा पर। ऐसा है तो अप्रसन्न चीज को पाने के लिए वो अप्रसन्न हो जाता है। समझ में आ गया? जो चाहता नहीं वैसा चीज मन में आ गया तो वो पसंद नहीं करता, हटा देता है। इसका मतलब क्या है? वो आँख पे अनासक्त, आप आँख पे पसंद नहीं करता है, आँख को पसंद नहीं करता है, नाक को पसंद नहीं करता है, जीभ को, शरीर को, मन को पसंद नहीं करता है। ये छह इंद्रिय अपना दुश्मन जैसा देखता है, हमेशा हर पल अपना दुश्मन के बराबर छह इंद्रिय को देखता है। वो आँख कान नाक जीव शरीर मन अनित्य प्रकार से, दुख प्रकार से देखने के लिए कोशिश करता है। ऐसे करने से वो आँख कान नाक जीव शरीर तथा मन के बारे में जिस प्रकार आनंद उत्पन्न होता है उसी प्रकार मनन नहीं करता है। अपना आँख कान नाक जीव शरीर मन हो या तो फिर बाहर और किसी का आँख कान नाक जीव शरीर मन हो, किसी का भी छह इंद्रिया के बारे में आनंद उत्पन्न होता है ना, आस्वाद, उसी प्रकार वो मनन नहीं करता है, अप्रसन्न मन से ही मनन करता है ये छह इंद्रिया के बारे में, या तो फिर बाहर छह इंद्रिया के बारे में अप्रसन्न मन से। अप्रसन्न मतलब इच्छा नहीं, घृणा, घृणा है, अप्रसन्न मन से मनन करता है, उसका आदिनव देख के ही मनन करता है। आदिनव मतलब ये छह इंद्रिया भी बूढ़ा हो जाता है, वो भी बूढ़ा होता है, ये भी खत्म होता है, वो भी खत्म होता है, इसके अंदर एक गंदगी, उसके अंदर भी गंदगी है, उसी प्रकार आदिनव देख के ही मनन करता है कोई भी छह इंद्रिया के बारे में। भगवान बुद्ध हम लोग को बताए हैं जो कुछ बंधन हो जाता है वैसा चीजों पे आस्वाद के अनुसार मनन करेंगे तो इच्छा उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया? जो कुछ बंधन हो जाता है, बंधन हो जाता है सुंदर रूप, सुंदर रूप शब्द गंध रस स्पर्श विचार कोई भी चीज पे बंधन होगा तो वैसा बंधन मतलब आसक्त होने वाले चीजों पे उसका गुण मनन करने जाएगा तो, रूप का गुण सोचेगा तो, शब्द का गुण सोचेगा तो, गंध का गुण सोचेगा तो, रस का गुण सोचेगा तो, स्पर्श का गुण सोचेगा तो, विचार का गुण सोचेगा तो उस पे इच्छा उत्पन्न हो जाता है। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा तो तथागत भगवान बुद्ध की ये ज्ञान सुनने के बाद वो प्रयास करता है उसी प्रकार होने वाले इच्छा को त्याग करने के लिए। इसका मतलब वो आस्वाद के अनुसार देखेगा नहीं, बल्कि आदिनव के अनुसार देखता है कोई भी चीज को। उसी प्रकार जहाँ लोभ उत्पन्न हो जाता है वह होश में रख के रहता है, क्योंकि आकार नाक जीव शरीर मन या तो फिर रूप शब्द गंध रस स्पर्श विचार पर लोभ उत्पन्न हो जाता है, होश पे ख्याल रखता है हमेशा। ऐसा हमेशा ख्याल रख दिया तो उनका दिल में आशा उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं उत्पन्न हो सकता है। धीरे धीरे उसका आशा दिन प्रतिदिन निरोध हो जाता है, मिट जाता है। ये बात सही है या गलत है? सही है।
सही होने पर भी हम लोग करता क्यों नहीं? वैसा शुरुआत नहीं है, कहीं जाना चाहेंगे तो पैर उठाना चाहिए ना। पैर बिना उठा के जा पाएगा? सीधे चलना। पैर बिना उठा के जाने के लिए कोशिश करेगा तो वही रह जाएगा, नहीं जा पाएगा। पैर जो उठाता है वही यात्रा शुरुआत करता है। इसीलिए शुरुआत क्या है, हम लोग सबसे पहले ज्ञान सुन करके उसी ज्ञान के प्रति विश्वास आना चाहिए। विश्वास आने के बाद हम लोग को इच्छा उत्पन्न हो जाता है, ये धर्म हम भी प्राप्त करेंगे, जानेंगे। बहुत बड़ा एक जलाश में एक मणि गिर गया है, वो मणि खोज पाएगा? बहुत मुश्किल, नहीं खोज पाएगा। वैसे ही है, अच्छी तरह प्रसन्नता उत्पन्न हो गया तो उसका गलती खोजना मुश्किल हो जाता है। जो तथागत भगवान बुद्ध के प्रति प्रसन्नता उत्पन्न होता है ना अच्छी तरह, उन्हीं का गलती को खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चुप में रहता है, चुपचाप काम करते रहता है, उसके बारे में दुनिया को कुछ पता भी नहीं चलता है ये क्या करता है। हल्ला गुल्ला करते जाता है क्या? देखो हम अभी ध्यान करते हैं, अभी ऐसे चुपचाप, किसी को पता नहीं चलता, देखने में टेढ़ा, लेकिन अंदर से वो कर रहा है जो कुछ करना है चाहिए। वो उससे कभी दुनिया को कष्ट परेशान मिलेगा? नहीं मिल सकता है। अगर पूरा दुनिया उसको परेशान करने के लिए आ गया तो वो मुस्कुरा के चुप हो जाता है, एक एक करके लड़ने के लिए वो नहीं जाता है। कोई बात नहीं, ऐसे करके कोई चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको इससे ज़्यादा बहुत बड़ा चीज़ करने का है, बहुत बलवान चीज़ करने का बाकी है अभी, इसलिए छोटा मोटा चीज़ कोई ध्यान नहीं है, वो छोड़ देता है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध के पवित्र ज्ञान को अपना दिल में रख दीजिए। भगवान बुद्ध की प्रसन्नता संग जरूरत थी, बिना प्रसन्नता से कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों को भी ऐसा प्रसन्नता उत्पन्न करके, लोभ को त्याग करके निर्लोभ मन से धर्म की रास्ता पे रहने का भाग्य मिल जाए।